आरोपों पर रवि शंकर का पलटवार, इस खबर के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राहुल के गैर जिम्मेदाराना बयान की निंदा करते हैं हम, ये कहा गया है। तो राहुल के जो आरोप लगाए गए हैं उस पर रवि शंकर का पलटवार नजर आता हुआ, साफ तौर पर कहा कि राहुल के गैर जिम्मेदाराना बयान की हम निंदा करते हैं। कांग्रेस को नकार चुकी है देश की जनता। तो आरएसएस पर राहुल के आरोप पर बोले रवि शंकर प्रसाद। राहुल गांधी ने आरएसएस पर आरोप लगाए थे, राहुल के आरोपों पर रविशंकर का पलटवार, राहुल के गैर जिम्मेदाराना बयान की हम निंदा करते हैं। तो डरे हुए लोग जो है वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए, रविशंकर प्रसाद ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी पर अटैक किया तो बीजेपी ने भी जवाबी हमला कर दिया। आपको सुनवाते हैं राहुल के जवाब में क्या कुछ कहना है बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का। हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीत सकती है तो आरएसएस के लोग हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन के अंदर एक एक करके अपने लोगों को डाल रहे हैं, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में आरएसएस की विचारधाराओं के लोग डाले जा रहे हैं। एक तरफ देश को लूटने वाले हैं और दूसरी तरफ देश को देने वाले हैं। अब ये तो सुनकर के मुझे भी थोड़ा कौतूहल हो गया। देश को लूटने वालों को जनता ने कुर्सी से बेदखल कर दिया राहुल गांधी, जिसमें आपकी पार्टी भी है। लेकिन आज उनकी पूरी टिप्पणी से एक बात स्पष्ट हुई कि राहुल गांधी अब बिलखते हैं, भाषण नहीं देते हैं। तो सुना आपने, कांग्रेस एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, आर पार किदार के तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हमला बोला तो बीजेपी ने भी आरोप पर पलटवार किया।